So let's pick up the book for today and perenally suggested You Are the Placebo. So let's see. Uh... Let me pick that up. So this is the book. It's called You Are the Placebo by Dr. Joe Dispenza. And in this book, he explores the concept that mind has the power to heal the body and create profound effects on one's health. and if uh, we start the book, let's understand what is the placebo effect. right, it's a common term. people use it, but many of us might not even know about placebo. so let's look into that. placebo is a substance or treatment that has no therapeutic effects. often used as control in testing new drugs despite have no active ingredients to influence health placebo can sometimes lead to perceived or actual improvement isko mai aasan zuban mein samjhaun तो पुराने जमाने में हकीम क्या किया करते थे कि आपको मीठी गोली दे दिया करते थे In those old 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 days और uh, यू यूज टू गेट रिपेयर आप जाके बोलते थे थैंक यू सो मच और उसको पता होता था कि इस चीज़ का इलाज नहीं आया था एटीज में बट वो आपको एक यू नो शुगर कोटेड मेडिसिन देते कहता था जाओ सही हो जाएगा ठीक है एंड होता क्या था That, that's called placebo effect. Placebo मतलब आपका माइंड उस गोली पे ट्रस्ट करके आपकी बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देता था बिकॉज माइंड इज द स्टोरेज आउट ऑफ हाउस ऑफ गॉड राइट खुदा ने इतना ताकत दिया माइंड में तो आप लोग सही हो जाते थे यू नो एंड देन मेडिकल साइंस एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग एडवांस्ड और आज भी मेडिकल साइंस ही करता है अब आज भी फिजियोलॉजीज एंड उसकी थियोरम्स उठा के देखोगे साइकोलॉजी के, के डॉक्टर्स को बहुत अच्छा पता होता है कि हर चीज़ का इलाज नहीं है शायद कोविड का भी नहीं था बट वो जो बूस्टर्स आए वो एक प्लेसिबो इफेक्ट का, का काम किए और उसके बाद मैं देख रहा था कल लिलॉन मस ने ट्वीट किया था

शौकत भाई क्या बोलते हो जिंदगी में प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है विच इज लाइक इसको एक लाइन में बोले तो बिलीफ सिस्टम की बात हो रही है राइट right? जी शौकत भाई यू कैन और वो कहते हैं सक्सेसफुल होने के तीन तरीके एंड यू you नो know, उसमें से एक चीज वी हेर नॉट इन ऑर्गेन के यू नो रेफ्रिजरेटर ऑन द माइंड यू नो कूल रखो डेजर्ट ऑन द टंग स्वीट रखो और स्टोन ऑन द हार्ट दिल को इतना मजबूत रखो कि हमें बुरा बहुत लग जाता है कहते हैं आपको थिक स्किन करनी पड़ेगी कहते हैं भेड़िया जो होता है ना उसकी थिक स्किन होती है राइट उसको बहुत सारे लोग आवाजें निकालते हैं बट वो डरता नहीं है वो अपने हिसाब से भागता है दौड़ता है और उसको जिसपे शिकार करना होता है करता है राइट क्योंकि जंगल का भी कानून है कि लोग एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं इतने सारे जानवर होते हैं ना तो हमें तो नहीं समझ आती बट एनिमल साइंसिस या नेशनल ज्योग्राफी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे ऑलवेज एनिमल बुली देम ईच अदर अलॉट और उसमें जो भेड़िया होता है यू you नो know, वो बहुत ताकतवर जानवर होता है बट और भी ताकतवर जानवर है शेर इज अनदर वन एलिफेंट इज अनदर वन यू नो तो उसमें ये होता है कि एट द एंड गेम क्या होता है कि फिर जब भेड़िया अटैक करने वाला होता है और उसके सामने से शेर ले जाता है तो लोग भेड़िए को चढ़ाते हैं देखो द लाइन गोटियर यू नो एंड यू कुड नॉट डू एनीथिंग यू आर हेल्पलेस तो भेड़िया उसको जवाब नहीं देता हालांकि जो भी उसके ऊपर कर रहा होता है भेड़िया उसे बहुत ताकतवर है उसको मार सकता है बट वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता उसकी स्किन बड़ी थिक है तो रियल लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोफेशनलिज्म में रिलेशनशिप में स्किन बड़ी थिक रखनी पड़ती है हमारी स्किन थिन होती है ना तो हम रिएक्ट कर जाते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं राइट तो प्लेसिबो इफेक्ट की बात की हमने मुनीरा वोटर यून पिबो इफेक्ट को दे दिया यू you नो know, चलो अभी लास्ट डोज है बहुत सहयोगी बताएगी कि डिस्टल वाटर यू नो सो अगेन प्लेसिबो कितना स्ट्रॉन्ग है देखो आज भी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में काम करता है तो हमको समझ ही आया कि ऑथर ये बोलता है कि तुम अपने आप से प्लेसिबो क्यों नहीं करते हो मतलब दुनिया को तुमसे प्लेसिबो करने की क्या जरूरत है आई डोंट यू डू इट बिट यूर तो हम कैसे कर सकते हैं प्लेसिबो तो ऑथर ये कहता है कि लेट सी ऑथर ये कहता है द पावर ऑफ बिलीफ मी सी हाउ आई कैन बिकॉज बहुत सारी चीजें ओपन हुई भी होती हैं

जो कॉमनली आप लोग करते हो अच्छा टाइम लगेगा क्योंकि अगर पता होती है आसानी से तो करना छोड़ चुके होते ना बट हर आदमी करता है जैसे कि ओ आई एम गेटिंग टू ओल्ड ओ आई डोंट हैव द परफेक्ट जीन्स ओ मेरे तो डी एन ए में यू नो फैटीनेस लिखा है या यू नो ओ लिखा है मैं जितना भी वर्कआउट कर लूँ आई कैन नॉट गो और इट्स द स्लिमलेनेस यू नो आई कैन नॉट गेन वेट यू नो और आई कैन नॉट गेट द फेयरनेस जो भी आप लोग का है जो भी चीज़ आप अपने आप को कंडेम करते हो सबकॉन्शिय एंड यू मे बी नॉट इवन फीलिंग इट आप लाइटली हो अपने उपर, which is healthy actually. लिख लो क्या है? ठीक है? हर एक करता है यू नो फ्रेंड्स में कुछ ना कुछ अपने बारे में अपने बारे में दूसरे के बारे में ठीक वो चीज जो आप अपने बारे में मजाक में करते हो वो चीज प्लेसीबो बनना शुरू हो जाती है राइट right? सो so, अगर लेट्स इफ यूर ट्राइंग टू वेट बिकॉज यू आर फीलिंग आपकी एनर्जी लेवल खत्म हो रहा है बट क्योंकि आपका वेट कम नहीं हो रहा तो आप लोगों के सामने मजाक मस्ती करना शुरू करते हो यार मेरी तो डी एन एम जींस है यू you नो know, या मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा जोक करता है कि पास वाला मिठाई खाता है तो मेरा वेट बढ़ जाता है यू you नो know, तो हम लोग एक जोक करते हैं बट द थिंग इज के वो आपके प्लेसिबो में चले गया यू नो बाहर की दुनिया तो इतना केयर करे कि के नहीं करे सब कॉन्शियस ने पकड़ लिया Yes no? so, स ने पकड़ लिया तो ना एक्स वाई जी में जो भी दम लगा लू नथिंग वुड वर्कॉज प्लेबो ने क्या किया डिस्टल वॉटर डाल के दिमाग ने सोचा पेन किलर जा रहा है आराम मिलने वाला है और आराम मिल जाता है राइट मुनिरा सचवानी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में देखते हैं राइट right? ऐसा नहीं कि पुराने जमाने के लोगों पर था आज भी प्लेसिबो उतना ही जोरदार काम करता है तो आपने प्लेसिबो कर दिया आपने कहा यार जितना भी मैं कर लूँ जितना भी स्टडी कर लूँ मैं फेल ही होना हूँ नहीं रिजल्ट कम ही आने मैं जो भी कर लूँ मुझे वो अच्छी जॉब नहीं मिल सकती या मेरा कभी इतना बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता मैं मीडियाकर ही रहूँगा या मैं फेल हो जाऊँगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो आपने प्लेसिबो बना लिया दिमाग के अंदर एक पावर ऑफ बिलीफ बना लिया जो के किसने बनाया आपने खुद ने बनाया राइट तो आपको वो जो कहते हैं ना वायरस आ जाते हैं और आप बेस्ट बाय लेके जाते हो लैपटॉप या फोन और वो कहता है कि भाई ये तो गीक देखेगा और उसके फलाना दिमाग मेमोरी के कोने में जाके वायरस है करने डाला था उसको डिलीट किया उसके पैसे ज्यादा लगेंगे तो ये भी वही वायरस है जो आपने मेमोरी के उस कोने में जाके डाला है जिसको डिलीट करना बहुत मुश्किल है डू यू ऑल ऑल अग्री विद द पॉइंट यस और नो राइट तो कभी कभार देखो कहते हैं ना वाइज मैन हमारे जो बड़े बुढ़े कह के गए सारी चीजें गलत नहीं है बहुत सारी चीजों में बड़ा दम है दे ऑलवेज यूज टू से बोलो भी अच्छा बुरा मत बोलो चाहे अपने बारे में राइट डोंट मेक फन ऑफ अदर्स ना इधर मेक फन ऑफ यू हम लोग आज की इनवायरमेंट में हमने जो है ना सोसाइटी में व्हेन वी मेक फन ऑफ ईच अदर वी फील वी आर गेटिंग इनलाइटेड हम पार्टी कर रहे हैं हम फन कर रहे हैं मोलाली का कॉल है कि जब तक आप दूसरों का फन बनाते रहोगे आपकी दोस्तियां खत्म होते रहेंगी क्योंकि जो फन बना रहा है उसको तो मजा आ रहा है बट जिसका फन हो रहा है उसको मज़ा कभी भी नहीं आता डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट भले आप भी हंस रहे हो पच्चीस लोग और भी हंस रहे हैं भले आप पार्टी में गए और आपने बोला छोड़ो ना यार लाइफ को लाइटली लेना लाइटली उसके लिए जो फन बना रहा है जो बुली हो रहा है उसके लिए फन नहीं है राइट तो सबसे बड़ा बुली का प्रॉब्लम ऊपर वाला ने क्या डाला है कि दुनिया तो बाद में सजा देगी ऊपर वाला पहले दे देता है उसके सब में चले ये वीकनेस जो वो दूसरे की बना रहे कल को जब तक उसके अंदर वो वीकनेस नहीं आती उसकी फॉरगिवनेस नहीं होगी तो इसीलिए आप अपने आप को भी बुली नहीं करो तो हमने एक बात बहुत क्लियरली देखी नया थॉट ये देखा कि जब तक हम मतलब वी लर्न टूडे कि हम अपने आप को बुली कैसे कर सकते हैं और हम अपने आप को बुली कैसे कर सकते हैं दिस इज लाइक बुलिंग आर सेल्फ के हमने जो है अपने बारे में नेगेटिव बिलीव बना लिया और हमने उस वक्त मजाक में बनाया था जस्ट टू मेक फन ऑफ अर सेल्व एंड शो केस के आर ओ हम कितने कूल cool है बट प्रैक्टिकल लाइफ में पीछे हुआ क्या आपकी वो वीकनेस बन गया और रात गई बात गई पीपल वैक देयर वर्क बट आपकी जिंदगी में मसला हो गया उससे राइट एंड ना यू न्यू अबाउट इट ना अदर्स न्यू अबाउट इट सही है कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से रेजमैन अच्छा आई वॉन्ट मोर पीपल टू टर्न ऑन द कैमरा ताकि मैं उसको उनको ले सको राइट ऑल ऑफ यू स्टार्टेड ना शटिंग डाउन द कैमराज तो फिर बात नहीं हो सकती टर्न ऑन द कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे दी अगैन सी प्लिस में कॉन्फिडेंस डालते हो आई कैन डू इट आई विल फेस दस आई फेस द वर्ल्ड में जो भी सिचुएशन में मैं बैठूंगा लोगों से बात करूंगा कल को कहीं भी जाओगे वो कॉन्फिडेंस कैरी होगा अगर कॉन्फिडेंस जूम पे भी खत्म हो गया तो लाइफ से भी खत्म हो जाएगा राइट ये वर्कआउट की तरह ओके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सेकेंड पॉइंट वो ये बोलता है कि डॉक्टर डिस्पेंसर एक्सप्लेन दैट प्लेसिबो एज अ पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन वेर पेशेंट एक्सपीरियंस इज रियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट विद नो एक्टिव इन्ग्रीडियंट यही हमने बात कर ली ठीक है उसने कहा कि प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल uh, साइंस बहुत ज़्यादा यूज करता है स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिसका क्योर नहीं है अब देखो कभी कभार कहते हैं ना झूठ बोलना इज हेल्दी ठीक है तो मेडिकल साइंस में जब किसी चीज़ का क्योर नहीं होता तो आप क्या करते हो आप उसको बोलते नहीं हो पेशेंट को कि हमारे पास इलाज नहीं है आप उसको बोलते हो कि ये ले लो राइट पानी ले लो और पानी को बोलते हो ये इसका इलाज है और काम करते हो और सालों से कर रहे और आगे भी करेगा और हमें नहीं पता कि कोविड के बूस्टर भी शायद वही थे कि क्या थे राइट बट हमें ये पता चला कि हम बाहर आ गए हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल है हम इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हाउ यू हैव वॉच थ्री इडियट्स आमिर खान की वो जो मूवी थी ठीक है मेनी ऑफ यू हैव वॉच इन मेनी टाइम स्कूल्स में चली यूनिवर्सिटीज़ में चली हर हाँ जगह चली एंड uh, लोगों को एक बार उसने बहुत अच्छी सिखाई कि वो चौकीदार जो था ना वो अंधा था यू you नो know, उसके उसको दिखता भी कुछ नहीं था बट वो कहता था जागते रहो तो लोग सोचा देते कि यार ठीक है यू you नो know, ये देख रहा है हालांकि चौकीदार अंधा निकला एक दिन चोरी हुई तो पता चला बीस साल बाद चौकीदार ही अंदर लेकिन पीस ऑफ माइंड तो कहते हैं अपने दिल को बेवकूफ बनाते रहो ऑल इज वेल अब इसकी साइकोलॉजी देखते हैं मूवी सबने देखी साइकोलॉजी ये है कि भाई जब आपको पता है कि एक प्रॉब्लम आ गया है ठीक है एंड यू आर दिस पर्सन जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और आपको लगता है कि यार अब मेरा क्या होगा या तो मैं डेड सिचुएशन में चले जाऊंगा या तो मैं इसको संभाल लूंगा तो कहता है ये सिचुएशन की गारंटी तो है कि नहीं हमें नहीं पता लेकिन ये सिचुएशन संभल जाएगी इसका बिलीफ तो हम दे सकते हैं ना तो वो कहता है कि अपनी माइंड में जो कैप पहन लो ना वो पॉजिटिविटी की पहन लो और उसके बाद प्लेसिबो लगा दो तो नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम रिजल्ट जो भी हो ठीक है गॉड आपको कैंसर हो गया और आपके लिए मरना लिखा है वो जो पीरियड आपने गुजारा ना देखो मरने के बाद तो सुकून मिल ही गया ना बट द पेनफुल सिचुएशन वॉज दैट पीरियड विच यू हैड टू स्पेंड विद योर सेल्फ ऑन द हॉस्पिटल बैड और वाइल्ड बीग इन सर्जरी और वाइल्ड इन द कीमोथेरेपी गॉड फॉरबेट आजकल कॉमन हो गया राइट right? तो वो प्लेसिबो इफेक्ट ने क्या किया ऑल इज वेल आई आई टेक केयर ऑफ इट मैं ऐसे बाहर निकल जाऊंगा एम स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे इतना पेन नहीं होगा बिकॉज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ कैरेटरिस्टिक का मालिक हूँ नो जो भी हो मेरे आई हैव डन इन द पास्ट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं एंड गॉड इज विद मेरा कनेक्शन गॉड से इतना स्ट्रोंग है कि वो मुझे वो तकलीफ नहीं होने देगा जो सबको होती है यस और नो हुआ क्या कि आपका वो जो टाइम था ना पेनफुल वो सुकून से निकल गया फिर आपके लिए बचना लिखा था तो बच गए आपके लिए मरना लिखा था तो मर गए दैट्स सेकंड स्टोरी बट जो जर्नी होती है ना उसको पीसफुल बनाना होता है इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग मैं एक चीज के साथ में इसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स करता हूँ और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिक कितने लोगों को याद है एक दफा यूज हुआ है टॉपिक बट इट्स 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 अट मैंने बाकी सब मिटा दिया बिकॉज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट ये बहुत काम की चीज है न्यूरोपलास्टी एक अच्छा आपको सबको पता है कि कितने लोगों ने ये फील किया है रेज योर हैंड्स कि वो बहुत स्ट्रेस होते हैं कभी लाइफ में और वो जब सो जाते हैं जब वो उठते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है आप बहुत ज्यादा सैड होते आप सो जाते हो आपकी सैडनेस कम होती है आप बहुत ज्यादा खुश भी होते हो आप सो जाते हो सुबह खुशी भी कम हो जाती है राइट right? आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया आप सो जाते हो और इसीलिए डिप्रेशन के मरीज ज्यादा सोते हैं डू यू ऑल अग्री ये और राइट क्योंकि सोने में खुदा ने एक बरकत रखी है राइट right? वो बरकत ये है कि जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं आपको पता होगा आई थिंक बॉडी के फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप सोते हो और वो नए बनते हैं जब आप दूसरे दिन होते हो जिसको कहते हैं आर बी सीज और डब्ल्यू बी सीज राइट रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ताकत होती है और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इम्यूनिटी होती है ठीक है तो ऊपर वाले ने दो तरह की फोर्स रखी है आ, जिस तरह पुराने जमाने में बैटल होती थी तो एक तलवार होती थी और एक ढाल होती थी राइट right? तो इंसान की जो तलवार है वो रेड ब्लड सेल है और जो उसकी ढाल है वो डब्ल्यू बी सी है ये आसान जबान में सबको समझ आ गया ठीक है तो अगर तलवार वीक हो जाए तो आप अटैक नहीं कर सकते दुनिया की छोटी सी छोटी बात आपको बहुत बुरी लग जाएगी और हो सकता है आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लो यस ये राइट बट आपकी ढाल वीक हो गई तो समझो आप बहुत मजबूत आदमी हो आप बोलने में बहुत अच्छे हो बट आपको किसी ने कभी आपका मजाक उड़ा दिया ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा आपने लोग ऐसे देखे कि खुद जितना मजाक कर ले बट जिस दिन उनसे मजाक हो जाता है उनकी हालत खराब हो जाती है ये सर नो ना मेनी ऑफ यू आर लाफिंग आपका डब्ल्यू बी सी के राइट right? अब ये बॉडीली टर्म्स है ठीक है हीमोटोलॉजी की टर्म्स है ब्लड की टर्म्स है बट आपको पता है ये दिमाग के जो सेल्स हैं जिसको क्या कहते हैं कौन बताएगा न्यूरॉन्स दिमाग के एक वाहि सेल्स हैं जो अगर डेड हो जाए लिख लो वापस नहीं जलते इसीलिए अल्जाइमर का कोई क्योर नहीं है और खाली अल्जाइमर का पेशेंट रिकवर कैसे होता है आप लोग को याद होगा शुरू की बुक्स के टॉपिक थे रीडिंग से इसलिए वो अल्जाइमर के स्पेशलाइज सेंटर्स जहाँ अल्जाइमर के पेशेंट आते हैं उनको बुक्स पढ़ाई जाती है ताकि उनका माइंड फोर्सफुली पढ़े और जब प्रेशर पड़ेगा न्यूरॉन पे हम लोगों ने एक बहुत सारी मिथ अटैच की हुई है और बच्चों के साथ भी अटैच है हमारे साथ भी कि हमको लगता है यार हेड कौन ले इस उम्र में आके कौन सीखे कौन झंझट ले झंझट इज अ कॉमन वर्ड इन आर कम्युनिटी ये झंझट ही आपको अल्जाइमर से बचाएगा भाई बिकॉज आपने झंझट करना छोड़ दिया ना तो यू आर वेलकम आपने हथियार डाल दिया वो जो तलवार था वो भी खत्म हो गई आपकी और आपका ढाल भी खत्म हो गया नाउ यू आर वेलकम टू द अल्जाइमर उसका कोई क्योर नहीं है बट आपने एटलीस्ट बुक उठा ली एजुकेशन उठा ली आपको जोर डालना है दिमाग पे जिस वजह से आपके ब्रेन के सेल्स डेड नहीं होंगे बिकॉज खुदा का एक बहुत आसान सा निज़ाम है जिस भी हिस्से पे वजन डालोगे वो बढ़ेगा यू वॉन्ट टू मेक योर मसल बाइसेप से वेट लिफ्टिंग करो मसल बढ़ जाएगा टोनिंग करो मसल बढ़ जाएगा ठीक है बोन पे प्रेशर डालो हाइट बढ़ जाएगी ब्रेन पे प्रेशर डालो ब्रेन बढ़ जाएगा ब्रेन पे प्रेशर नहीं डालो तो क्या होगा खत्म हो जाएगा और सीनियर्स ने एक मिथ बना लिया हमको झंझट तो इसका मतलब ये हुआ लिख लो ये मिथ है कि अगर आपने झंझट से जान छुड़ानी है तो आपकी जिंदगी से जान छुड़ी जाएगी बीमारियां और हम ये देख चुके हैं इतने साल तक 16 16 घंटे काम करते द मोमेंट दे गॉट रिटायर बीमारियां पकड़ लेती हैं डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट यस और नो क्यों क्योंकि ब्रेन सेल्स ने काम करना बंद कर दिया बॉडी ने काम करना बंद कर दिया वर्कआउट तो हम करते ही नहीं है तो क्या होगा कोलैप्स राइट right? तो अब न्यूरॉन के बारे में उसने एक चीज क्या बोली है अच्छा इसके साथ में एक दूसरी चीज अटैच करता हूं दो बच्चे हैं एक बारह साल का है उसको करियर करना है उसको डॉक्टर बनना है उसको पता है बारह साल की उम्र से कि डॉक्टर दूसरा बच्चा है उसको पता नहीं है वो कह रहा है आई एम टू यंग ना इधर आर पुटिंग प्रेशर ना उसके पास अपनी वो कहता है यार देख लेंगे अट्ठारह साल का ओके okay? या तो फादर का बिजनेस कर लेंगे मुझे टेंशन नहीं है और तीसरा जो बच्चा है वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया है बट ही इज़ वेरी ब्रिलियंट और उसके ऊपर फाइनेंशियल लोड भी है बिकॉज फैमिली इज नॉट वेरी वेल टू डू और वो किसी तरह से अपनी एजुकेशन भी खुद फंड करना चाहता है वो चाहता है स्कॉलरशिप लूंगा तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है डे वन से और वो ये भी मालूम कर चुका है कि मैं न्यूरो सर्जन बनूंगा एक डॉक्टर बनूंगा स्पेसिफिक टाइप का जो ब्रेन की सर्जरीज करता है या मेंटल हेल्थ में जाता है तो तीन लोग हो गए एक ही उम्र के अब लाइफ चेंज कैसे हो जाएगी तीनों की बारह साल का बच्चा अभी कॉलेज में गया हाई स्कूल से बाहर निकला वो भी हाई स्कूल से बाहर निकला वो भी बाहर निकला अब हाई स्कूल के बाहर उसको इंटर्नशिप मिली जो बच्चा ब्लैंक होगा वो इंटर्नशिप को किस तरह लेगा वर्सेस वो बच्चा जिसको पता है हाँ यार शायद डॉक्टर बन जाऊं क्योंकि तो घर वाले कह रहे हैं लेकिन वो बच्चा जिसको पता है न्यूरो सर्जन बनना है तीनों की लाइफ में क्या फर्क होगा मुनीरा सचवानी शौकत भाई एक्टिव जितना ज्यादा क्लियर उतना ज्यादा मैगनेटाइज न्यूरोसर्जन अट्रैक्ट करेगा उसको पता है न्यूरोसर्जन बनना है जैसे ही भीड़ में उसको पता होगा जमात खाना में कितने न्यूरोसर्जन है उसको पता होगा कॉलेज में न्यूरोसर्जन का प्रोफेसर कौन है उसको पता होगा मेरे आसपास की यूनिवर्सिटी में पीएचडी में न्यूरोसर्जन में कौन है वर्सेस जो डॉक्टर वाला होगा वो थोड़ा ब्लर होगा उसको होगा यार ठीक है जब जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या है उसको कॉमनली पता होगा ये भी डॉक्टर है ये भी डॉक्टर है बट ये हाथ का ये पैर का ये हार्ट है ये कार्डिया है उसको ये सब नहीं पता होगा और वो बच्चा जो कि अपने के बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है यू नो ही इज जस्ट केयरलेस राइट ना हो उसको कुछ भी नहीं पता होगा सो जब बारह से अठारह साल का सफर तीनों तय करेंगे तो आपको क्या लगता है तीनों एक ही लेवल पे खड़े होंगे किस कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं या बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया होगा न्यूरोसर्जन का होगा वो हो सकता है चार दस इंटर्नशिप्स कर चुका हो एक दो लिख चुका हो, और हो है उसने ऑलरेडी पीएचडी का कुछ ना कुछ बना चुका हो जबकि वो बच्चा जो के अब शेयर बनाया गया अब जाग गया हूं मैं अब मैं अठारह साल का हो गया और अब मुझे कुछ करना है यू वुड बी टू लेट बैग एस कम्पेयर टू द सेम किडीन ऑफ एज जिसने दुनिया फतेह कर लिया उसकी नज़र में तो ये हुआ कैसे ये हुआ न्यूरोप्लास्टी से अब ये समझते हैं कैसे ठीक है कैन यू ऑल सी बोर्ड यस और नो ठीक है अब होगा क्या कि ये माइंड में एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। अच्छा न्यूरॉन एक वाहिद सेल है जो इस तरह का दिखता है ठीक है जस्ट फॉर एन इजी एग्जांपल क्रैप की तरह का दिखता है इसके अलग अलग फीलर्स होते हैं ठीक है ठीके? और ये इतने लंबे होते जाते हैं जितनी लंबी आपकी सोच होती जाती है ठीक है और तो अल्लाह ने दिमाग में अलग अलग सेल्स बनाए और ये सेल्स में इलेक्ट्रिकसिटी रही होती है ठीक है ये बहुत पावरफुल सेल्स होते हैं और आपने देखा होगा आइंस्टाइन जैसा आदमी जो इतने नौ हजार नौ सौ पेटेंट्स लेके दुनिया को हिला के चले गया लोग कहते हैं उसने अपना माइंड का तेरह परसेंट हिस्सा यूज़ किया था अभी भी एटी सेवन परसेंट हिस्सा यूज नहीं हुआ था यानी टेस्ला की बैटरी पूरी बाकी थी तो वो आदमी जो तेरह परसेंट चार्ज करके दुनिया फतेह करके चले गया हम लोग एवरेज लोग टू पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट एट के बीच में अपना दिमाग यूज कर पाते हैं और इसमें सब लोग आ गए वो भी आ गए जिसने के बनाया और दुनिया के हर मुल्क में के की ब्रांच है वर्सेस वो भी एक आदमी आ गया जो वो अट्ठारह साल का बच्चा और कहता है कि यार ठीक है डैड का बिजनेस संभाल लूंगा आई डोंट केयर डोंयर नई फैमिली केयर पैसा बहुत है है ठीक सौ गैस पड़े नाउ द थिंग इज ये दिमाग कैसे यूज हुआ तेरह परसेंट और सौ परसेंट कैसे यूज हो सकता है सो so, जितना आप अकल पे जोर डालते हो जितना आप डीप थिंकिंग करते हो कुरान में एक बात देखो लिखी है खुदा ने खुदा ने सोल्यूशन दिया है खुदा ने कहा वो लोग फायदे में है जो गौरव फिक्र करते हैं हम सब ने सुनी है एमपावर yes no? so, क्या, क्या? क्या, क्या? में डीप थिंकिंग कर रहे हैं ना ऐसा कैसे हो रहा है एक बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है एक नहीं हो रहा, एक नहीं हो रहा एक नहीं हो रहा बात करते हैं मुनीरा क्या बोलते हो शौकत भाई क्या बोलते हो फलाना 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 जैसमिन ऑथर क्या बोलता है डीप थिंकिंग हो रही है हमारा ब्रेन का मसल स्ट्रेच कर रहा है और उसमें हमको कभी कभार ऐसी बातें समझ आ जाती है जो आप लोग कहते हो मुझे मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे मुझे बहुत खुशी होती है कि यार हमारा जिंदगी देखने का डायलेक्ट बदल गया हमारा लेंस चेंज हो गया हमारा लेंस क्लीन हो गया पहले हम लोगों से चिढ़ते थे अब हमको पता है कि वो ऐसे क्यों है इसलिए हमने चिड़ना बंद कर दिया मुझे लास्ट सेशन के बाद बहुत अप्रिसिएशन मिला थैंक यू एंड ऑल द टू लॉर्ड के हमारा एंगर कम हो गया लोगों ने कहा क्योंकि हमने वो बातें पढ़ी ना लास्ट सेशन में एंगरनेस की राइट जो कि हमको नॉर्मल तो हमारा क्या हुआ न्यूरॉन का मसल स्ट्रेच हुआ तो वो ये कह रहा है कि जब आप न्यूरॉन को स्ट्रेच करते हो और न्यूरॉन को स्ट्रेच करने का एक ही तरीका है वो है नॉलेज और डीप थिंकिंग लिख लो इस बात को ये बात बहुत काम किया ठीक है डीप थिंकिंग एंड नॉलेज हम इस बात को बहुत क्लियरली बात कर चुके इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा फ़र्क है वो फेसबुक पे आई हुई ट्वीट जिसको आपने पढ़े बगैर सौ लोगों को फॉरवर्ड कर दिया उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं बट वो दो लाइन जो आपने फॉरवर्ड करने से पहले दो मिनट आंख बंद करके पढ़ा और उसको कहा यार क्या मतलब हुआ इस प्रोव का इस अखवाल ज़रिए का इस रिफ्लेक्शन का और आपने बोला ये मेरी ज़िंदगी पे कैसे जाता है तो आपको नॉलेज मिली उस इंफॉर्मेशन से सो so, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मतलब है नॉलेज और उस नॉलेज को रिपीट करके उस पर कमांड ले लेने का मतलब है विजडम राइट इसलिए इमाम बोलता है नॉलेज शेयर करो टाइम नॉलेज आज के जमाने में हथियार नॉलेज है डू ऑल अग्री विद द विद्रीज यू यस और नो राइट तो आज के जमाने में नॉलेज क्या करता है उसने बोला न्यूरोप्लास्टी के जरिए आप कुछ भी कर सकते हो उसने बोला ब्रेन की एक एबिलिटी है कि जब ब्रेन ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है तो न्यूरल कनेक्शन बनाता है एक न्यूरॉन दूसरे को पकड़ता है बोलते है इधर बताओ तुम्हारे को कुछ पता है डॉक्टर के बारे में दूसरा न्यूरॉन तीसरे को पकड़ता है बोलता है तुम्हारे को पता है वो बोलते है हाँ शुगरलैंड के अंदर एक डॉक्टर ये है ओके डॉक्टर ये वो बोलते हैं अच्छा एचपीसी के अंदर ये है तीसरा न्यूरोन बोलता है एक काम करो लिंक इन पे जाके ढूंढो लिंक इन पे जाता है तो पच्चीस डॉक्टर मिलते हैं सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है पांच डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं दो से बात होती है दो डॉक्टर्स और फ्रेंड बन जाते हैं तो बारह साल की उम्र वाला बंदा तेरह चौदह पंद्रह सोलह अट्ठारह साल तक जब पहुंचता है उसके पास तीस चालीस डॉक्टर्स न्यूरो न्यूरोसर्जन दोस्त बन चुके होते हैं कुछ मेन्टोर्स बन चुके होते हैं और उसमें से एक दोस्त को स्टाइपन और इंटर्नशिप पे स्कॉलरशिप्स भी दे चुके होते हैं और वो जब अठारह साल पहुंचता है ही इज अ वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट वर्सेज दैट अदर स्टूडेंट हु इज नाउ थिंकिंग हुट टू डू इन लाइफ राइट right? तो सोचना और उसके ऊपर डीप थिंकिंग करते रहना न्यूरो कर देता है आपके दिमाग के सेल्स को जोड़ देता है और आप मैग्नेट बन जाते हो आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग गए स्टीव जॉब ले लो या हमने बहुत सारे लोग पढ़े वो अपने काम में इतने होते हैं कि वो हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं येस और नो राइट right? आर्नोल्ड शाज लेकर अपनी स्पीच में कहता है कि मैं जो था बहुत गरीब आदमी था और मैं मेरे पास मिस्टर यूनिवर्स बनना तो दूर की बात मेरे पास प्रोटीन खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास वर्कआउट करने के पैसे नहीं थे तो मैं जो था वो सुबह और शाम और और जॉब्स करता था और मेरे पास इतना पॉवर्टी थी कि मेरे पास सोने तक का टाइम नहीं था लेकिन मुझे पता था कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा तो मैं अपने सोने के कम टाइम को पाँच छः घंटे जो मिलते थे उसको भी कट करके तीन घंटे सोता था और तीन घंटे वर्कआउट करता था अब नॉर्मली बताओ एक ऐसा आदमी जो खाली सोता ही छः घंटे और आपको नींद आठ घंटे नौ घंटे से कम आती नहीं है तो वो आदमी तीन घंटे वर्कआउट कैसे कर सकता है येस और नो एक बात समझ आती है कि नहीं आती राइट नॉट एवरी पर्सन कैन डू दैट तो उसने बोला कि मेरे पास लाइफ आसान इसलिए थी इसको लिख लो कि मेरे पास प्लान ए था मेरे पास प्लान भी था ही नहीं क्योंकि जिनके पास प्लान भी होता है उनके पास फिर सी भी होता है फिर डी भी होता है फिर ई e भी होता है फिर कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में राइट तो वो लोग जो रेजोल्यूशन बनाते हैं ना कि ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे ये नहीं हुआ हमको लगता है हम बहुत स्मार्ट है हमसे स्मार्ट इन द रूम कोई है ही नहीं तुम्हारा कुछ भी काम नहीं होना बिकॉज तुमने प्लान भी बना के ये सोच लिया कि मैं ए तो कर नहीं पाऊंगा तो मैं बी बना लूं और तुमने ये भी बोला कि यार बी भी शायद नहीं होगा क्योंकि मुश्किल से तो मैं भाग जाता हूँ तो तुमको अपने आप से ज्यादा बेहतर इंसान कोई नहीं जानता राइट डू यू ऑल अग्री विद पॉइंट यस और नो तो उसने बोला कि मैं प्लान बी के खिलाफ हूँ और न्यूरोप्लास्टी भी प्लान बी के खिलाफ है आपको पता है क्योंकि न्यूरोप्लास्टी में आप एक चीज डालो राइट right? जितने भी सक्सेसफुल लोग ले लो सबकी फिलोसफी ब्रूसली ले लो वो तो बोलता है मुझे उससे डर नहीं लगता जो दस हजार मूव जानता है मुझे उससे डर लगता है जो एक मूव को दस हजार दफा प्रैक्टिस करके बैठा है क्योंकि जब वो वो मूव मारेगा ना तो मैं गिर जाऊंगा और मैं उठ नहीं पाऊंगा इसलिए वो उसको वन मैन पंच कहते थे वो एक पंच ऐसा मारता था ब्रूसली के सामने वाला जितना भी बड़ा वो ढेर हो जाता था राइट और इसलिए कहा जाता है डोंट बी जैक ऑफ ऑल बी मास्टर ऑफ वन तो हम लोग एम्पावरमेंट में यही चीज पढ़े प्लान भी नहीं बनाओ एक चीज ढूंढ लो खुदा ने तुमको क्या दी है राइट और इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी मैं क्योंकि सुनता रहता हूँ पॉडकास्ट वगैरह तो एक uh, बहुत लर्निड आदमी उसने कहा कि तुम्हें पता है अगर तुम इस दुनिया से मर गए और खुदा ने हर एक को कोई ना कोई टैलेंट दिया है तुम्हें पता है तो तुम ब्लेस्ड हो तुम्हें नहीं पढ़ी तो तुम्हारा टैलेंट खत्म हो जाएगा लेकिन खुदा सबसे पहला सवाल तुमसे उस टैलेंट का करेगा कि मैंने तुम्हें और कुरान में भी एक मैंने तुम्हें एक यूनिक गिफ्ट दिया था जिसके जरिए तुम अपनी दीन और आखिरत बना सकते थे तुमने उस अमानत को यूज क्यों नहीं किया डू नो राइट और हम लोग आज जो 200 सौ बुक्स पढ़ के बैठे हैं और बहुत सारे लोग शायद इसको टीवी प्रोग्राम क्योंकि मोटिवेशन है ना मजा आता है यू you नो know, एक रश की तरह है स्वीट लेने की तरह राइट right? तो मज़ा आता है यू यू नो नो एक है पॉजिटिव आधा एक घंटा इतना पॉजिटिव अब तुम्हारे पास इतने सारे हैमर हो गए हथोड़ियाँ आ गई ये नेल नहीं है तो मारोगे किस में हाथ में मारोगे तो लगेगा खुद ही को राइट सो यू हैव टू टू फाइंड द नेल हैम इट अप तो वो ये कहता है कि अपना स्किल निकालो और अभी अगर आप फिफ्टीज सिक्सटीज करके यूएस में रह रहे हो और लॉन्चिटिविटीज इज मोर आप नाइन्टी तक जीते हो अनाउंसमेंट्स होते एक सौ दो साल एक सौ तीन साल के लोग मर गए राइट तो आपको क्या पता यार आपके पास तो फोर्टी ईयर्स और पड़े हैं लाइफ में बैंक अकाउंट में और आप तो हथियार डाल के बैठ गए हो कि ओ अभी तो टाइम आएगा बस आएगी और चालीस साल बाद बस आएगी भाई राइट तो हथियार तो डाल दिए तो चालीस साल क्या करोगे इधर से धक्का उधर से धक्का इधर से धक्का उधर चले जाओ मम्मी इधर चले जाओ मम्मी इधर चले जाओ दादी ठीक है दादी बोल रही है अभी जाओ कि दर यार इनकी बात समझ नहीं आती उनकी समझ नहीं आती ज़िंदगी में कोई सुनता नहीं है पहले का ज़माना अच्छा था तो दादी लैपटॉप खोल के कुछ पढ़ लो ना ताकि छह लोगों के साथ बात करो तो समझ तो है नॉलेज इज़ द पावर राइट तो गलती लोगों की नहीं है गलती दादी की है गलती मॉम की है गलती मदर इन लॉ की है कि वो इतनी बेनिफिट्स के बाद अपग्रेड नहीं होना चाह रही राइट तो लोग उनको इधर उधर 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 चले जाओ बोल रहे हैं तो लोगों की गलती नहीं है खुद की गलती है खुद क्यों डिसेबल होके बैठे हुए हो यस और नो बात बुरी लग रही होगी बट सच्ची बात हमेशा बुरी लगती है यस और नो राइट तो अपने आप को या तो हथियार डाल के सरेंडर कर दो कि खत्म होगी लाइफ तो फिर तो धक्के पड़ेंगे दुनिया से और अपने लोग ही ज्यादा जोर से धक्के मारेंगे राइट right? मगर अगर राइफल उठा ली और एक दो शूटिंग कर दी हवा में तो लोगों को पता चलेगा शेर उठ गया भाई ठीक है अब शेर गोली हम पे भी मार सकता है अच्छा सबके मुंह पे स्माइल आ गई है सबके अंदर ये गेम चल रहा है यस yes, <laughs> सर नो ठीक है नरगे और मुनिर तालियां मजा रही है तो कल को हमने भी अपने पेरेंट्स को और ये बताया होगा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि हमको तुमसे ज्यादा पता है हालांकि हमको उन्हीं ने हाथ पकड़ के बड़ा कराया और आज हमारे बच्चे हमको बताते हैं और कल उनके बच्चे उनको बताएंगे क्योंकि हम जनरेशन एक्स वाईज ही पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम याद है तो एक्स वाई का बाप थी और जी तो वाई का डबल उस्ताद है राइट और जो जी वन आएगी वो पहुंच नहीं पाएगी इतना बड़ा ऊपर वाला इतना अपग्रेड कर रहा है सिस्टम को तो कर्मा तो है दुनिया में राइट तो इंसान के बच्चे बन के तो रहना ही है उसके अलावा कोई तरीका नहीं है बट मजलूम बन के भी नहीं रहना ठीक है और आज के जमाने में जो सॉर्ड है ना वो नॉलेज है अगर नॉलेज है तो खत्म बात किसी से जाके लड़ने की जरूरत नहीं है मतलब लोगों को दोस्त भी बनाना है लोगों से बातचीत भी करनी है चाहते हो लोग सामने से बुलाए एक ही चीज की वजह से बुलाएंगे नॉलेज राइट right? और नॉलेज हो क्योंकि लोगों को लगता है कि आप किसी काम के उनके लिए जब आप रस्टेड हो जाते हो ना तो आप भी अच्छी अच्छी ज्वेलरी या एम्ब्रॉयडरी या जो भी चीज घर में रस्ट हो जाएगी ना आप फेंक दोगे बल्ले वो गोल्ड की भी क्यों ना हो यस और नो राइट right? तो रस्ट किसी को पसंद नहीं है तो अपने ऊपर से रस्ट निकालो रस्ट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और हमने तो ऑलरेडी देखा कि मेहनत करने से अल्जाइमर भी खत्म होता है प्रॉब्लम भी सुस्ती की वजह से है ना तो सुस्ती को छोड़ दो राइट right? तो प्लान भी इज डिफिकल्ट प्लान भी इज नॉट गुड अब आप लोग ये समझो कि आप लोग के पास अगले चालीस साल है ठीक है चार महीने हो तो मुझे नहीं पता हो सकता है। मेरे पास चार महीने right? लेकिन समझो चालीस साल है एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से अब आप चालीस साल प्लान करो ठीक है कोई स्किल लो कोई टैलेंट ढूंढो क्योंकि ऊपर वाला शायद सबसे बड़ा सवाल ये करेगा कि यार वो टैलेंट दिया था आप बोलोगे को तो पता नहीं था कभी दिल आता था कि ये करूं कभी सोच में आता था, था कि ये करूं कभी सोच में आता था, था ये करूं तो ऊपर वाला बोलेगा तो तुमने कितना किया बोला कुछ भी नहीं किया इतने सारे ख्याल आते थे राइट तो बोलेगा कुछ तो कर लेते तो पता चल जाता कि क्या टैलेंट है तो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट जो बनाया है ना दुनिया ने वो इसीलिए बनाया कि बच्चे को बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम ग्रेजुएट हो गए हो लिखो क्या क्या करने का शौक है वो बोलता है यार पांच चीज करने का शौक है बोलते है, जाओ पांच चीज में दो दो महीने लगाओ दस महीने बाद पता चल जाएगा क्या चीज का शौक है क्या चीज़ का नहीं है डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट येस रेज यो हैंड्स आप लोग को भी इंटर्नशिप करनी है परवीन लखानी को लगता है वो मुझे एजुकेशन भी बनना है ठीक है लिख लो दो महीने स्कूल में इंटर्नशिप करके देख लो जॉब कर लो सेवा कर लो ई डी में पढ़ाते हो राइट मजा आ रहा है तो यानी आपके काम की चीज़ है कान से दुआ निकल गया दो महीने बाद तो आपने उठा के साइड पर रख दिया बोला मेरे बस की बात नहीं थी बहुत सारी चीजें शौक होती है उर्दू वाली बहुत सारी चीज़ें शौक होती है इंग्लिश वाली राइट तो आपका शौक वो वाला शौक था या आपका शौक शौक था राइट लेकिन जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा राइट मैंने यू लाफिंग एक एक वो बन गया ना चौक हाँ, बन गया राइट सो आपका शौक शौक है या आपका शौक शौक है ठीक है तो आप देख लो और लेकिन काम करना पड़ेगा ऐसे बैठे बैठे जूम एक घंटा करके बंद करके बहुत मजा है बहुत मजा सारू सेशन जबरदस्त मजा आ गया श्रफन ने क्या बात बोली फिर अगली दफा भूल गए भी क्या अभी नया कुछ बताओ राइट तो वो जब तक मेहनत नहीं होगी हजबत नहीं होगी राइट मेहनत नहीं होगी तब तक आपको वो टैलेंट मिलेगा नहीं और वो ये कहते हैं जब टैलेंट मिल गया तो आपके हिसाब से ज्यादा खुश नसीब इंसान दुनिया में कोई होगा नहीं बिकॉज आपका हैप्पीनेस खुदा ने उस टैलेंट के इर्द गिर्द डाला हुआ है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं बहुत ही कम अग्री करेंगे क्योंकि शायद सौ में से तीन लोगों को यह बात पता होगी कि उनमें टैलेंट क्या है बाकी उन्हें इतना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया होगा अपने ऊपर राइट सो द इजिएस्ट थिंग टू डू दैट इज अ पेपर और आप लोगों के पास फारिक टाइम होता है आई एम श्योर हर एक के पास होता है जो आदमी कहता है लेकर कहता है मुझे कुछ लोग रीजन देते हैं कि मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है अलाउड नहीं है वरना मैं उनको इतनी जोर से स्लैप करता कि हमारा उनका दिमाग घूम जाता वो ये कहता है तुम्हारे पास अपने लिए टाइम नहीं है तो तुम दूसरों के लिए जिंदगी में कैसे टाइम निकालोगे स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ के मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कहता है जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना उसके पास हर चीज के लिए टाइम होता है आपका भी सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठना और उसका गूगल कैलेंडर देखना उसने पंद्रह पंद्रह मिनट लॉक किए हुए होते हैं आपको पता क्यों क्योंकि क्यों उसको पता है यार वर्कआउट भी जरूरी है कॉफी ब्रेक भी जरूरी है मेडिटेशन भी जरूरी है योगा भी ज़रूरी हो आप तीन काम करके बोलते हो यार टाइम ही नहीं और आई थिंक बहुत अच्छा बोला बिकॉज कभी कभार हम जो है ना हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पॉलिश नहीं करते कभी कभार हम पॉलिश भी करते और कभी कभार हम पहाड़ पे चढ़ा के धक्का भी दे देते हैं यू नो वो जरूरी होता है लाइफ में यू नो जिसको कहते हैं शॉक थेरेपी आपने देखा होगा ट्रैम्पोलिन पार्क में अपने ग्रैंड किड्स किड्स को ले आते हो कि जितना ऊपर से जोर से गिरता है उतना ही वापस उछल के ऊपर जाता है राइट सो गिरना जरूरी है वो स्टॉक जो नीचे गिरता नहीं है वो बिटकॉइन जो नीचे गिरता नहीं है वो इतना तेजी से ऊपर भी तो खुदा ने लाइफ में भी ऐसा रखा है वो इंसान जो हिल नहीं रहा कि नहीं यार मैं लूज हो गया तो लोग हंसेंगे मैं हार गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे इस उम्र में बोलेंगे यार क्या सूझी थी काम करने की देखो हार गए तो सबसे बड़ी हार तो कुछ नहीं करने में ही है ना लूज होके ही विन होता है ठीक है तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा तो आज की सेशन का टेक होम ये है कि तीन से चार चीजें जो भी पुराने शौक थे आज के शौक है या जो भी इंस्पिरेशन है विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ एनी खुद की जात के लिए उसको लिख लो क्या करने का शौक है और उसको बोलो कि यार अच्छा टुडे इज लेट्स से जुलाई ट्वेंटी ट्राई करूंगा या करूंगी ठीक है इसके बारे में पढ़ूंगा यूट्यूब देखूंगा प्रैक्टिस करूंगा अमेजोन से ऑर्डर करूंगा कोई जाके क्लास ले लूंगा बहुत लकीली यूएस में हर चीज की क्लासेस भी होती है राइट और बहुत ज्यादा फ्री क्लासेस भी होती है पब्लिक स्पीकिंग का शौक है टोस्ट मास्टर का ग्रुप ज्वाइन करो अपने एरिया में जाके गूगल करो और जाके पब्लिक स्पीकिंग करो सबको पब्लिक स्पीकिंग फ्री में करने मिलती है वहां पे राइट लिख लो टोस्ट मास्टर हर जगह पे ग्रुप है वोमार्ट में भी है डैलिस में भी है डालेस में भी है कैलिफोर्निया में भी राइट आ, एक और ग्रुप है उसका नाम है बी एन आई बिजनेस नेटवर्क इंटेलिजेंस उसमें सारे सीई मिलते हैं और आपको भी वेलकम करेंगे ठीक है आपको जस्ट ये जाके बोलना है कि मैं भी सीईओ हूँ और एक्स वाई वाइजनेस की सीईओ हूँ कोई आपके बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करने थोड़ी आ रहा है वो ब्रेकफास्ट करते हैं वनस अभी जाओ डर लगेगा हाथ पैर कांपेंगे लेकिन जब जाके आ जाओगे दस बारह फोटोज लेके और फेसबुक पे डालोगे तो लोग बोलेंगे वाह मुनीरा मुनी बीस सीईओ के साथ ब्रेकफास्ट कर कर आई खत्म हो गई बात राइट मुनीरा के दस और फ्रेंड सामने से आएंगी और बनने के लिए राइट परवीन लखानी की शौकत भाई की क्या हुआ यू फील्ड गुड अबाउट योर और लोग तो वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं नॉलेज बेस और सक्सेसफुल आदमी के साथ रहने में येस और नो ये दुनिया की ब्रूटल रियालिटी है साइड में जाके बैठ जाओगे रस्ट हो जाओगे लोग उठा के फेंक देंगे बोलेंगे मजा नहीं आ रहा चीज़ बेकार हो गई है पॉलिश हो गई शाइन कर रहे हो गए लोग बोलेंगे हाँ ये शाइनी चीज है अपने पास रखो शो आएगा लुक्स गुड यस और नो तो वही चीज जो हम दुनिया के साथ करते हैं वो दुनिया भी तो हमारे साथ करती है ना राइट सो अपने आप को रस्ट नहीं होने दो अपने आप को शाइन रखो और शाइन करने के लिए yes. हिलते रहो मूव करते रहो स्ट्रगल करते रहो राइट बिकॉज स्ट्रगल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती है ओके नेक्स्ट चीज जो लास्ट चीज है आज के टॉपिक में उसके बाद हम खत्म करते हैं वो है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन अब यह आ गया नरगिस का टॉपिक नरगिस कार चला रही है मारवर्ड नहीं देना गाड़ी ठीक है अच्छा अब वो ये कहता है कि हमने लास्ट टाइम सुना था कि बहुत सारे लोग बोल के सोचते हैं ठीक है ठीके? ये सोचना बहुत सारे लोग बोल के सोचते हैं इसलिए बहुत सारे लोग जब टीच करते हैं ऐसे मैं टीच कर रहा था ना बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में आ जाते हैं ये ब्लेसिंग डालता है ऊपर वाला राइट तो आप लोग भी जब किसी को सिखाना शुरू कर दोगे ना आपको पता चलेगा अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था ऊपर वाले ने डाला राइट ऐसा है तो बहुत सारे लोग बोल के सीखते हैं बहुत सारे लोग आंख बंद करके मेडिटेट करके सीखते हैं कि यार क्या करना चाहिए फंस गए ऐसा किया क्यों किया क्या करूं कैसे निकलूं कैसे होगा क्या होगा पिक्चर बनना शुरू हो जाती है पिक्चर कम्प्लीट वो क्या रहा है न्यूरॉन्स भाग रहे हैं अच्छा उसने ऐसा बोला ये न्यूरॉन ने आके कनेक्ट किया वो उसने पैर खींचा इसने हाथ खींचा न्यूरॉन जुड़ गया कनेक्शन स्ट्रांग तीसरा वहां से घूमते घूमते पकड़ लिया क्या हुआ क्लेरिटी आ रही है जितने न्यूरॉन जुड़ना शुरू हो रहे हैं उतनी क्लियरिटी आ रही है और चाइनीज जो टाइची एनर्जी वाले ना वो कहते हैं कि दुनिया में आप कुछ भी फता कर सकते हो क्लियरिटी के साथ क्या कर सकते हो क्लियरिटी के साथ क्लियरिटी कैसे आती है डीप थिंकिंग से तो आज हमें एक नई चीज़ पता चली इसको लिख लो किसी भी चीज़ में कामयाब होना है ना उस चीज़ में क्लियर हो जाओ और क्लियर होने के लिए डीप थिंकिंग करो और डीप थिंकिंग एक घंटे एक दिन में नहीं होगी हो सकता है एक साल लग जाए राइट लेकिन वो कहते हैं ना जब गाड़ी चल रही होती है ना तो आपको यूस्टन से कैलिफोर्निया जाना है लेकिन आपको नजर दस माइल का ही आएगा क्योंकि आज जो हेडलाइट है वो दस माइल दिखा रही है फिर दस माइल और आगे आगे फिर लाइट ने दस माइल और आगे देखा है तो इस तरह करके दो हजार माइल चले जाओगे आप लेकिन दो हजार माइल बोलो ऐसी हेडलाइटों के साथ ही नजर आए तो वो आपको आएगा भी तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे राइट तो लाइफ में भी ऐसा ही है दस दस माइल करके रास्ते निकलते आते लेकिन शुरू तो करो राइट तो बिगिन विद एन एंड इन माइंड बहुत कम लोगों को समझ आता है लेकिन दस माइल सबको दिखता है एम आई राइट यस और नो रेज हैं जो मेरी बात से अग्री करते हैं राइट right? हम बोले हम इतने स्मार्ट है कि हमको आखिर तक का पता है किसी को नहीं पता राइट right? हो सकता है आइंस्टाइन को पता हो शायद उसको भी नहीं पता था राइट right? वो भी एंड ने बोलते है अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि मैं इतनी चीजें इन्वेंट किया लेकिन मैंने देखा कि कोई मुझसे भी बहुत बड़ा है जो मुझसे तेज इन्वेंट कर रहा है और वो हमेशा एक हाथ मेरे से आगे रहता है और शायद उसी का नाम खुदा है और मैं इस दुनिया से जा रहा हूं क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तेज है तो एक तरह से वो खुदा को डिस्कवर करके चला गया राइट तो इतना बड़ा आदमी जो तेरा परसेंट माइंड यूज किया है तो आप और मैं तो साढ़े तीन परसेंट वाले हैं भाई यस और नो राइट तो दस माइल भी दिख जाए तो क्लियर है मगर मकसद ये है कि बहुत सारी बातें करके बहुत सारी अच्छी अच्छी, अच्छी नॉलेज ला के नो एक्शन लीड्स टू तो नो रिजल्ट आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक्शन नहीं करते हो और एक्शन इसलिए नहीं करते हो कि लिखते ही नहीं हो तो आज एक प्लान बना लो बिकॉज प्लान बी फेल्स ये बात हमको समझ आ गई और उसके लिए टाइमलाइन बना लो और कोई जल्दी किस बात की है ना तीन महीने की बनाओ छह महीने की बनाओ मगर इतनी लंबी नहीं बनाओ कि पता चला एक साल बाद भूल ही गए कि करना क्या था राइट अपने आप को रिमाइंडर्स दो गूगल कैलेंडर पे लगाओ अपने शीशे पे लगा लो पे लगा लो, पे लगा लो रेफ्रिजरेटर पे लगा लो डोरबेल पे लगा लो वेर एवर अपने फोन के कवर पे लगा लो अपने चार्जिंग बॉक्स के पास लगा लो वेर एवर यू विजिट दैट स्पॉट इंस्टेंटेनियसली अपने टूथब्रश के पास लगा लो आपको पता है रोज आप जाके ब्रश करोगे वहां पे वो लगा लो कि ये काम करना तो आज हुआ एटलीस्ट तीन दिन बाद शर्म आ गई यार तीन दिन से चिट लगी या तो चिट उठा के फेंक दोगे तो इसका मतलब है आपसे लेजी आदमी दुनिया में कोई नहीं है खत्म हो गई बात अगली दफा एमपावरमेंट सेशन मत देखना क्योंकि आपका कोई काम का नहीं है या तो चिट लगी रहेगी तो रिमाइंडर होगा कि नहीं यार करना है करना है करना है और नेक्स्ट टाइम जब एम्पावरमेंट सेशन में बैठोगे और वो गोल दिमाग में होगा तो और मजा आएगा क्योंकि न्यूरॉन कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे ठीक है आई होप दिस हेल्प्स यू थैंक यू वेरी मच परवीन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था लेट्स क्लैप फॉर फॉर द द ऑथर एंड ऑल नॉलेज एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप लोगों को मैंने शेयर किया है फेसबुक का ग्रुप का लिंक जिसमें पुराने सिक्स सेवन मंथ्स के सेशन है और यूट्यूब के लिंक में सारे अपडेटेड सेशन राइट तो फेसबुक के ग्रुप पे टीम स्लोली डाल रही होती है उसमें बहुत सारी चीजें एडिट कर देती है जो रिलीजियस ओरिएंटेड होते हैं ना क्योंकि हम ग्रुप में बहुत खुल के बात करते हैं राइट तो गुड लक ऑल द वेरी बेस्ट इन इनशाला ब्रिंग ऑन न्यू ब्लॉक्स और प्लेसिबो इफेक्ट करो यानी कि जो हासिल नहीं कर सकते दिमाग को पानी पिलाओ और बोलो ये पानी में जो पी रही हूँ उससे मेरी इंग्लिश इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि सामने वाले लोग थर थर कहां राइट और आपकी इंग्लिश वाकई फ्लुएंट हो जाएगी बस आपको भरोसा रखना है ठीक है एक्स वाई जी एबीसी थैंक यू वेरी मच